हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसडीएस भी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का पिक्चर बुक पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज जो हमारा टॉपिक है वह है सीजन एंड क्लॉथ्स। ठीक है, क्या टॉपिक है? सीजन एंड क्लॉथ्स। सीजन मीन्स होता है मौसम, एंड मीन्स और क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, मौसम और कपड़े पहनेंगे। ठीक है, यहाँ पे यह बताया गया है कि हम किस मौसम में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जैसे कि जब ठंड आती है तो हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मी आती है तो हम कॉटन या सूती वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताया जाएगा आप लोगों को कि हम किस मौसम में किस प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। पहला सीजन हमारा है स्प्रिंग। ठीक है, पहला सीजन हमारा क्या है? पहला सीजन हमारा है स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु, यह ऋतु बहुत ही सुहावना होता है। इसमें ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, यह मौसम क्या होता है? बहुत ही सुहावना होता है। इस मौसम में हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? जैसे फ्रॉक पहनते हैं। ठीक है, लड़कियां क्या ऐसा कपड़े पहनती हैं? लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं, जीन्स है, जीन्स लड़के भी पहनते हैं और लड़कियाँ भी पहनती हैं। ठीक है, और हमारा क्या है? शर्ट है। शर्ट हम किस स्प्रिंग या बसंत ऋतु में हम लोग क्या पहनते हैं? शर्ट पहनते हैं। तो लड़कियां क्या पहनती हैं? फ्रॉक पहनती हैं, जीन्स लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं। शर्ट क्या कौन पहनता है? शर्ट लड़के पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीजन हमारा है, नेक्स्ट सीजन है हमारा समर। समर मीन्स होता है गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, या जिस मौसम में गर्मी पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो इस मौसम में हम लोग किस प्रकार के कपड़े धारण करते हैं? इस मौसम में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। यह सूती वस्त्र क्या करता है? हमारे शरीर को जो गर्मी के कारण पसीना हुआ होता है उसको क्या करता है? सूखता है और हमारे शरीर को आराम पहुँचाता है। ठीक है, तो हम लोग समर में टी शर्ट का यूज़ करते हैं, टी शर्ट का यूज़ करते हैं, स्कर्ट का यूज़ करते हैं, वेस्ट का यूज़ करते हैं। ये सब कपड़े कॉटन के होते हैं और ये सब कपड़े हम लोग समर सीजन में यूज़ करते हैं और ये हमारे शरीर को राहत पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीजन हमारा है, नेक्स्ट सीजन है मानसून। ठीक है, नेक्स्ट सीजन हमारा क्या है? मानसून। मानसून मतलब बरसात ऋतु, जिस मौसम में बरसात होता है उसको हम लोग कहते हैं मानसून कहते हैं। तो हम लोग मानसून में किस तरह का कपड़े धारण करते हैं? जैसे अम्ब्रेला हुआ, जैसे कि जब बारिश होता है और हमें घर से बाहर जाना होता है तो हम लोग अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। यह अम्ब्रेला क्या करता है? हमको बरसात में भीगने से बचाता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग रेनकोट का भी यूज़ करते हैं। यह एक रेनकोट है जो क्या है, यह एक रेनकोट है जो वाटर प्रूफ होता है और यह भी हमें क्या करता है? बारिश से बचाता है। हम लोग बरसात के मौसम में रेनकोट पहनकर बाहर जाते हैं और यह रेनकोट हमें भीगने से बचाता है, क्योंकि ये कैसा होता है? वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बरसात में गम बूट्स का भी उपयोग करते हैं। यह एक प्रकार का सूज है, बूट्स है, जो हम क्या कब यूज़ करते हैं, किस सीजन में यूज़ करते हैं? बरसात के सीजन में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीजन हमारा है, नेक्स्ट सीजन हमारा है आटम। ठीक है, आटम मीन्स होता है पतझड़ ऋतु। यह ऐसा ऋतु है जहाँ पे खूब लू चलता है, तेज हवाएं चलती हैं और यह पेड़ पौधे पे जितने भी पत्तियाँ होती हैं उनको यह गिरा देता है। इसलिए हम लोग इस सीज़न को पतझड़ ऋतु कहते हैं। इसलिए हमें इस सीज़न में हुडेड जैकेट का यूज़ करना चाहिए। यह एक प्रकार का जैकेट है जो हमारे पूरे शरीर को ढके रहता है और इस मौसम में चलने वाले लू से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, इसलिए हमें हुडेड जैकेट का यूज़ करना चाहिए इस मौसम में, इस सीजन या मौसम में हमें हुडेड जैकेट का यूज़ करना चाहिए। यह जैकेट हमें लू और तेज हवाओं से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीजन हमारा है विंटर। विंटर मीन्स होता है ठंडी वाले मौसम, जिस मौसम में ठंडी पड़ती है उसको हम लोग विंटर कहते हैं। विंटर में हम लोग ऊनी वस्त्र धारण करते हैं। यह वस्त्र क्या करता है? यह वस्त्र हमें
हमारे शरीर को गर्माहट देता है और हमें ठंड से बचाता है। यह वस्त्र किस ऊनी वस्त्र होते हैं जो ऊन के बने होते हैं, ठीक है। इसलिए यह वस्त्र हमें ठंडी या इसलिए इस वस्त्र को हम लोग ठंडी में यूज़ करते हैं और यह हमें हमारे शरीर को गर्माहट देता है और हमें ठंड से बचाता है। जैसे कि हमारा है स्वेटर, जैसे कि आप जैसे ही ठंड आती है आप लोग स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देते हो, तो यह स्वेटर क्या करता है, हमारे हमें ठंड से बचाता है। नेक्स्ट है ईयर मफ्स, ठीक है। जैसे कि ईयर मफ्स जो है यह ठंड में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहता है, हमारे कानों में जाने से रुकता है। इसलिए हमें ठंडी हवाओं को अपने कान तक आने के लिए हमें ईयर मफ्स का यूज़ करना चाहिए और यह हमें क्या करता है, ठंडी हवाओं से बचाता है और हमें ठंड से भी बचाता है, ठीक है। इसी तरह से शॉल, ठीक है। हम लोग ठंड में जैसे हमारी माता हैं दीदी लोग होती हैं, सभी लोग किसका यूज़ करते हैं, साल का भी यूज़ करते हैं। यह भी एक ऊनी वस्त्र होता है जो कि हम क्या करते हैं, साल का यूज़ करते हैं ठंड के मौसम में। और यह साल भी ऊनी वस्त्र होता है और यह भी हमारे शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ ठंड से बचाता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को सीजन एंड क्लॉथ्स के बारे में समझ में आ गया होगा, किस सीजन में हम लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।